हेलो एवरी वन इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन कैलकुलेट टी स्टेट फॉर एनी इंस्ट्रक्शन ठीक है तो सबसे पहले इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया जो कि आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर का है मीन्स ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एके टू का इसमें टू इंस्ट्रक्शन का है तो पहले मैं इनका ही डिस्कस करूंगी आफ्टर दैट वन और टू एग्जाम्पल्स मोर ठीक तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एम बी आई ए थर्टी फोर एच जब भी हमें किसी इंस्ट्रक्शन का पता करना होता है टी स्टेट्स तो हमें सबसे पहले क्या करना है उसकी मशीन साइकिल्स पता करनी है ठीक है अब मशीन साइकिल्स जो होती हैं, उसमें कितने स्टेट्स होते हैं इफ फैच है ठीक है फैच टेक फोर ठीक है फिर मेमोरी रीड और रीड ऑपरेशन मेमोरी रीड टेक थ्री टी ठीक सेम वे मेमोरी राइट राइट टेक थ्री टी ठीक है तो ये तीन मशीन साइकिल्स हमने यूज करनी होती हैं। किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए ठीक तो नाउ अब जब हम पहला एग्जांपल लेते हैं दैट इज एम बी आई ए थर्टी फोर एच ठीक कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सबसे पहली मशीन साइकिल क्या होती है फैच वन फैच नाउ यहां पर वन बाइट डेटा है मींस वन रीड ऑपरेशन क्लियर है वन रीड ऑपरेशन तो टोटल तो टी क्या हो गई फोर टी फॉर फैच एंड थ्री टी फॉर रीड टोटल हो गई सेवेंटी ठीक नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज एल एक्स आई एल एक्स आई एच टू जीरो 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 नाउ फर्स्ट इसको फैच करेंगे मीन्स फर्स्ट मशीन साइकिल इज फैच साइकिल सेकेंड साइकिल क्या होगी नाउ यहां पर जो डेटा है दैट इज 16 बिट डेटा मींस ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा दिस इज लोअर बाइट एंड दिस इज अपर बाइट तो सबसे पहले लोअर बाइट रीड होगी मींस रीड ऑपरेशन प्लस अपर बाइट रीड होगी means read operation. So now how many t? 4t for fetch cycle, 3t for one read plus 3t for second read. Total ho gayi 10t t. Means LSI H200H के लिए हमें चाहिए 10T t. Clear है? ये तो ये examples हो गए जो exam में थे. Now one more example लेते हैं LDA का. LDA 20

फैच की क्योंकि हमें इसको समझना होगा लोअर बाइट रीड होगी देन अपर बाइट रीड होगी नाउ अब एड्रेस रीड हो गया अब उस रीड के बाद क्या होना है डेटा मूव करना है मीन्स मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर को आ रहा है मेमोरी से जब भी माइक्रो प्रोसेसर को आएगा तो वो क्या होगा रीड ठीक है नाउ आप कह सकते हो कि यहां हमने ऐसा क्यों नहीं किया तो यहां पे क्या था कि ये एड्रेस नहीं कंटेंट की तरह बात कर रहा था सिर्फ़ सिर्फ़ और लगा उस से डेटा आएगा उसके लिए वन मोर साइकिल तो नाउ हाउ मेनी टी फॉर फैच फोर टी फॉर फर्स्ट रीड थ्री टी सेकेंड रीड थ्री टी एंड थर्ड रीडी आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो फोर टी प्लस इन टू थ्री टी इज इक्वल टू फोर टी प्लस इज इक्वल टू थर्टीन टी ठीक है अगर suppose आपका instruction है सिर्फ और सिर्फ एड बी ठीक है नाउ अब यहां पर देखो इसके साथ कोई भी डेटा नहीं है कोई भी डेटा नहीं है डेब्स वाइज सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक मशीन साइकिल यूज होगी दैट इज फैच Only fetch is required. अगर सिर्फ और सिर्फ फैच लग रहा है वो एल डी ए का जस्ट अपोजिट होता है एल डी ए में मेमोरी से डेटा एक्यूमेलेटर में आ रहा था एस टी ए में एक्यूमेलेटर का जो डेटा होगा वो एक मेमोरी एड्रेस पे जाएगा दैट इज टू जीरो सेवन जीरो इंस्ट्रक्शन तो नाउ पहले एस टी ए मीन्स फैच नाउ सिक्सटीन बिट डेटा तो फर्स्ट रीड फॉर लोअर सेकेंड रीड फॉर अपर नाउ अब माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी को जा रहा है मीन्स माइक्रो प्रोसेसर किसी को सेंड कर रहा है जब वो सेंड करता है तो राइट ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा राइट ऑपरेशन तो नंबर ऑफ टी फोर टी फॉर फैच थ्री टी फॉर फर्स्ट रीड थ्री टी फॉर सेकेंड रीड एंड थ्री टी फॉर राइट टोटल कितनी हो गई थर्टीन टी तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन फाइंड नंबर ऑफ टी फॉर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट और आप किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का चाहते हो कि मैं टी कैलकुलेट करूँ तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू